कि राजमाता जी के नाम से ही हमने संस्थान की शुरुआत की है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं 17 साल हो गए हैं और राजमाता की 22वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। आज राजमाता का जो उद्देश्य था जीवन का वो इतना सार्थक था कि एक सामान्य परिवार से महारानी के बाद फिर एक जन नेता और राज नेता के साथ साथ जब बच्चों को सुनने को मिलता है कि राजमाता भी एक हमारी तरह सामान्य परिवार से निकल के महारानी से राजमाता, भारत के इतिहास में राजमाता हमेशा अमर हैं, अमर रहेंगी, तो ऐसा जब बच्चे सुनते हैं, ग्वालियर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो राजमाता के साथ काम कर चुके हैं, मैं उन सबको बुलाता हूँ। आज भी हमारे मुख्य अतिथि माननीय अभय चौधरी साहब, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोहन सिंह राठौर साहब, संतोष शेखर वारजी, सभी लोग राजमाता के बारे में जब बताते हैं तो उन बच्चों में भी आज हिंदुस्तान यूथ का देश है, आज हम सबसे युवा हैं। जब इन युवाओं को मालूम पड़ेगा कि हमारे महापुरुष कैसे हुए और किस तरह से उन्होंने देश में अपना नाम किया है, तो हो सकता है कोई अंकुर फूट जाए, इस BISM का भी नाम देश के पटल पे हो। इस उद्देश्य से मैं राजमाता के जीवनी के बारे में तरह तरह के जो भी हमारे उनके साथ रहे उन लोगों के लाके बुलवाता हूँ, जिससे बच्चे उनका अनुसरण करें। आज BISM कॉलेज में राजमाता जी की 22वीं पुण्यतिथि यहाँ पे मनाई और प्रत्येक वर्ष ये कॉलेज उनकी पुण्यतिथि का आयोजन करता है। मुझे भी आज आने का मौका मिला, सुबह उनकी छतरी पे भी उनको नमन करने के लिए गया था और मैंने बच्चों को ये बताया कि वो कभी भाषणों के माध्यम से किसी को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि अपने आचरण से उन्होंने सिखाया। राजमाता से लोकमाता बनी और उन्होंने गरीब के लिए सदैव काम किया और इस अवसर पर मैंने उनको एक अपना स्मरण भी सुनाया कि जब मैं 95वें पार्षद बना था तो राजमाता जी ने हमको महल बुलाया और सभी पार्षदों को अपने हाथ से प्लेट में उन्होंने रख के मिठाई और हमको आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। और उस समय की महापौर हमारी अरुणा सैन्या जी बनी थी, हिंदुस्तान में पहली दलित महिला ग्वालियर से महापौर बनी। और जब वो भी उनसे मिल रही थी उस समय, तो जब वो हम लोग चलने लगे तो राजमाता जी उनको गेट तक छोड़ने के लिए आई, तो मैंने बच्चों को बताया कि आचरण के माध्यम से उन्होंने वो हमको शिक्षा दी जो शायद किसी के भाषण से हम नहीं सीख सकते थे। उन्होंने बताया कि जो अगर पद में है और उसका सम्मान करना है तो हमको करना चाहिए, उसके चाहे सामान्य परिवार से हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो। तो राजमाता जी ने ये सिखाया कि जीवन में अहंकार मत रखो और सामान्य बन के जियो और जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहो। एक बार ग्वालियर में बाढ़ आई थी, उसका भी मैंने जिक्र किया, बहुत बड़ी बाढ़ आई तो वो रातों रात वहाँ पहुँची और हज़ारों नागरिकों की उन्होंने दिल खोलकर पूरे जितनी मदद कर सकती थी उन्होंने करी। और आज भी ग्वालियर के नागरिक उस समय के वो याद रखते हैं और मैं भी उस समय का, क्योंकि मैं भी उसी नाले किनारे की तरफ ही मेरा भी मकान था, तो मुझे भी आज याद रहता है कि राजमाता जी रात भर उस क्षेत्र में घूमी और लोगों की मदद करी। आज इस अवसर पर उनको पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन्होंने जो हमको सिखाया उस मार्ग पर हम चलेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।